और अब 3 बजे के बाद का अपडेट मैं आपको दे दूं। टनल में रेस्क्यू का 11वां दिन है और इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है वो भी आपको हम बता दें। और यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं अभी की स्थिति क्या है। ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी हुई बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ ही घंटों में कामयाबी मिल सकती है। सिर्फ 23 मीटर दूर अब श्रमजीवियों से जो खुदाई का काम चल रहा है वो खुदाई का काम अब 23 मीटर और दूर है। श्रमजीवियों के पास वो पाइप पहुंचना आप केवल 23 मीटर की बात है। 23 मीटर दूर 39 मीटर तक पाइप ऑलरेडी डाला जा चुका है। 23 मीटर की दूरी बची है और अगले 10 मीटर की ड्रिलिंग बेहद अहम मानी जा रही है। ऑगर मशीन से बहुत तेजी के साथ ड्रिलिंग चल रही है। खाना और जरूरी दवाएं पाइप से पहले ही भेज दी गई हैं। टॉवल ब्रश जैसी जरूरी चीजें भी भेजी गई हैं। मनोचिकित्सक भी कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं और टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस अलर्ट पर हैं ताकि जैसे ही ये मजदूर बाहर निकलते हैं उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर, जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, देकर उनको सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए भेजा जा सके। टनल के बाहर और अंदर जो तैयारियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूं और इसके अलावा हमारे संवाददाता वहां से आप तक लगातार जानकारियां पहुंचा रहे हैं। बरखा और राकेश, अभी कुछ देर पहले उन्होंने आपको ये बताया कि किस तरीके से वहां पर जो स्पेशली डेप्यूटेड ऑफिसर हैं वो ये कह रहे हैं कि बग्वाल का कल त्यौहार साथ में इनके मनाया जाएगा। इसका मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा अगर विलंब हुआ तो कल सुबह तक होगा। वैसे स्टिपुलेटेड टाइम जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि देर रात तक इनको बाहर निकालने में कामयाबी मिल जानी चाहिए। बरखा और राकेश के पास इस वक्त क्या अपडेट है लेने के लिए चलते हैं। पहले बरखा, आप बिल्कुल देखिए दिनेश जी, ये बहुत बड़ी खबर है। किसी भी वक्त जो अच्छी खबर है जिसका इंतजार पिछले 11 दिनों से किया जा रहा है, किसी भी वक्त वो अच्छी खबर जो है वो यहां से आ सकती है। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अभी जो अपडेट आ रहा है करीब करीब 42 मीटर से भी ज्यादा की ड्रिलिंग जो है वो अभी फिलहाल हो चुकी है। अब से कुछ ही देर पहले जब प्रेस ब्रीफिंग की गई थी तो ये बताया गया था कि 39 मीटर हुई है, अब वो करीब करीब 42 मीटर तक जा पहुंची है। ये जो मेरे लेफ्ट में आपको एक बार तस्वीरें भी दिखा देती हूँ, ये पाइप जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वही पाइप्स हैं जो बताया जा रहा है कि अंत में जिन पाइप्स का इस्तेमाल अंदर किया जाएगा मजदूरों तक पहुंचने के लिए, लेबर्स तक पहुंचने के लिए, ये वो आखिरी पाइप्स होंगे। और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे अस्थायी अस्पताल जो है उसकी भी एक बार तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। मेरे सहयोगी आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाएंगे। इस बैरिगेट के ठीक पीछे नीचे जो सबसे नीचे वाला तालाब देख पा रहे हैं वहां पर इंतजाम किए गए हैं, कुछ बेड्स वहां पर लगाए गए हैं, वहीं पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, बीपी चेक होगा, पल्स चेक की जाएगी, हार्ट बीट चेक की जाएगी क्योंकि 11 दिन बीत चुके हैं। और उसके बाद उनको एक एक कर यहां से एक जो नजदीकी एयरपोर्ट है, हेलीपैड है, वहां ले जाया जाएगा, एयरलिफ्ट वहां से किया जाएगा और उसके बाद पहुंचाया जाएगा उनको अस्पताल। जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से उनको यहां पर जो फर्स्ट एड है वो यहां पर दिया जाएगा दिनेश जी। और उसी के साथ में देखिए 41 लोग हैं, 10-10 करके 10-10 की संख्या में उनको यहां से बाहर निकाला जाएगा और पूरी प्लानिंग के साथ में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अब अंजाम दिया जाएगा। थोड़ा सा ही फासला जो है अब वो रह गया है। अगर 43 मीटर तक, देखिए जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं, 43 मीटर हो गया है तो लगभग अब 10 से 12 मीटर आप और मान लीजिए, 10 से 12, 10 से 14 अमूमन इतना ही जो फासला है वहां पर मजदूरों तक का वो यहां पर रह गया है। तैयारियां पूरी तरह से दुरुस्त कर ली गई हैं, एम्बुलेंस जो है वो यहां पर पहुंच चुकी हैं, 4 एम्बुलेंस यहां मौके पर हैं। इसके अलावा देखिए टोटल की बात करते हैं, 40 एम्बुलेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो यहां पर दी गई थी, इसके अलावा 36 जो एम्बुलेंस है वो यहां पर पहुंच जाएंगी। जैसे उनको जानकारी दी जाएगी एम्बुलेंस जो है वो मौके पर होंगी ताकि मजदूरों की मदद जो है वो फर्स्ट एड के लिए यहां पर की। इस वक्त की बड़ी खबर है, दोहरा देता हूं बरखा अपने दर्शकों के लिए, 39 मीटर तक जो पहले खुदाई बताई जा रही थी वो बढ़कर 42 से 43 मीटर तक हो गई है। 39 मीटर तक का स्ट्रेच जो खोदा गया था अब उसको बढ़ाकर 42 से 43 मीटर कर दिया गया है। बरखा इस वक्त का ये बड़ा अपडेट दे रही है और ये मैं आपके लिए स्क्रीन पर सामने फ्लैश कर रहा हूं। लेकिन राकेश के पास भी अपडेट है, वो क्या अपडेट दे रहे हैं आइए उनके पास चले। राकेश, ऑडियो आपका म्यूट है, उसको सही कीजिए राकेश। और इधर मेरे साथ नैना यादव भी जुड़ रही हैं, वो टनल में मौजूद हैं और एक टनल में मौजूद रहकर वो आपको ये बताएंगी कि वहां टनल में जो चल रहा है वो किस तरीके से काम चल रहा है। हमारे साथ वैभव भी जुड़ेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर नवीन भटनागर भी जुड़ेंगे जो कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स से जुड़े रहे हैं, आला अधिकारी रहे हैं उसके। लेकिन पहले राकेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। राकेश, अपडेट इस वक्त का प्लीज, और उनको अभी आवाज मेरी नहीं जा रही है। ये जो खबर अभी बरखा ने दी है राहत भरी खबर है। एक एक मीटर का सफर यहां पर इसलिए ये बड़ी बात है क्योंकि ये कभी भी मलबे के दरकने की वजह, फर्दर दरकने की वजह बन सकती है यहां पर ड्रिलिंग।
ड्रिलिंग यहाँ आसान नहीं है। जैसा कहा जाता है हिमालयन रेंज जो है ये वर्जिन माउंटेन कहे जाते हैं, मतलब इनको बने हुए अभी बहुत वक्त नहीं गुजरा है और ये अभी सॉलिड रॉक्स में तब्दील नहीं हुए हैं। इसके उल्टे नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में यहाँ जो पहाड़ हैं, क्योंकि टनलिंग वहाँ बहुत की जाती है और इसीलिए आप जानते हैं कि जो टनल एक्सपर्ट्स हैं ज़्यादातर दुनिया भर में वो नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को रेफर करते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो पहाड़ हैं, यहाँ जो रॉक्स हैं वो मजबूत रॉक्स में तब्दील हो गई हैं, वो कमज़ोर रॉक्स नहीं है, मतलब वो कच्ची चट्टाने नहीं है, पक्की चट्टाने हैं, लिहाजा उनको खोदकर अंदर टनल बना लेना आसान है। लेकिन वहां जहां अभी चट्टाने पूरे तौर पर फॉर्म नहीं हुई हैं, कंप्लीट रॉक फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो अभी जिनको हम वर्जिन माउंटेन कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो रॉक्स अभी कंप्लीट सॉलिडिफाई नहीं हुई हैं और वहां उनके कभी भी मलबे के तौर पर गिरने का अंदेशा बना रहता है। लिहाजा आप ये जो सुन रहे हैं 39 से 42, ये कहने के लिए तो 40, 41, 42 3 मीटर ही ज्यादा है, लेकिन इसमें हर एक घंटे में 1 मीटर का प्रोग्रेस होता है, आधे घंटे में आधा मीटर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें 1 घंटे में 1 मीटर का प्रोग्रेस मतलब 3 घंटे समझ लीजिए इसमें लगे होंगे और हर वक्त इस एहतियात के साथ ड्रिलिंग की गई होगी, फर्दर मलबा ना ढहने पाए, फर्दर केविंग ना होने पाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी एहतियात के साथ कितने सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेते हुए ये काम किया जा रहा है। बरखा हमारी संवाददाता आप तक जानकारी पहुंचा रही है, दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई कि एक तो वहां पर अस्थाई एक टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया है जहां लाने के फौरन बाद उनके वाइटल्स चेक किए जाएंगे और वाइटल्स जिस हिसाब से इशारा करेंगे उस हिसाब से उनको अलग अलग अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो पहले सुबह हम बता रहे थे आपको आपसे करीब 3-4 घंटे पहले कि 39 मीटर तक ये खुदाई हुई है, अब वो बढ़कर 42 मीटर हो गई है। और क्या अपडेट है बरखा? दिनेश जी मुझसे सवाल है। जी 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 प्लीज गो अहेड जी। और दिनेश जी और जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो ये भी है, देखिए अभी फिलहाल ब्रीफिंग जब की गई थी तो देखिए आपने देखा था दिनेश जी वो तस्वीरें हमने जब यहाँ पर पूरे देशवासियों को दिखाई थी जिसमें जो लेबर्स थे वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे थे, यहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे। ब्रीफिंग में ये तक भी बताया गया कि अब सिर्फ माइक तक सिर्फ कैमरा वहां पर नहीं गया, माइक भी पहुंचाया गया। पहले तो उस पाइप का सारा लिया जा रहा था बातचीत करने के लिए, लेकिन अब माइक के जरिए बातचीत जो है वो उन मजदूरों से वहां पर की जा रही है, लगातार उनका हालचाल जाना जा रहा है और कुछ कुछ अंतराल में डॉक्टर्स वहां पर पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं, खाने के बारे में जानकारी यहां पर ली जाती है कि सारी चीजें ठीक है कि नहीं है, क्योंकि जो ऑगर मशीन है दिनेश जी वो रात जानना चाहता हूं बरखा आपसे, मैं ये देख रहा हूं यहां की तस्वीरें, ये हिली एरिया है, अभी अभी जो प्लेन्स हैं उनके मुकाबले यहां वैसे भी बहुत ज्यादा ठंड होगी, आपको भी मैं देख रहा हूं कि आपका अटायर ये इशारा कर रहा है कि वहां ठंड बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये जो लोग हैं जो के ये अंदर फंसे हुए हैं, इनको खाना दवाइयां ये सब तो पहुंच रहा है, लेकिन गर्म कपड़े कंबल खासतौर से रात काटने के लिए जो इंतजाम है, क्या उन सब की व्यवस्था भी पहले हो चुकी है, भेजा जा चुका है सब कुछ? दिनेश जी ये सवाल हमने भी यहाँ पर जो मौजूद ऑफिशियल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हमने किया था कि आप वेदर देखिए जब रात के टाइम पर कम से कम शाम के जब 5 बजते हैं दिनेश जी तो इस पूरे एरिया से धूप जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है, उसी वजह से हमने भी ये सवाल उनसे किया था कि जब अगर यहाँ पर इतनी ठंड है तो अंदर की स्थिति आखिर क्या होगी, तो उन लोगों ने हमें बताया कि वहाँ टनल के अंदर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ठीक है, मजदूरों के लिए वहां पर ऐसा टेम्परेचर नहीं है जिसको वो सरवाइव ना कर सके, ऐसा टेम्परेचर नहीं है जहां पर उनको रजाई की या कंबलों की या स्वेटर्स की जरूरत यहां पर पड़े, वहां पर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें आप बिल्कुल नॉर्मली सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, आपको सर्दी गर्मी या इस तरह का एहसास वहां पर नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल में जब खाना पहुंचाया गया था तो ये बताया गया कि कुछ टॉवल्स वगैरह भी पहुंचाए गए हैं, साबुन पहुंचाया गया है उस 6 इंच के पाइप के जरिए, लेकिन टेम्परेचर को लेकर ये बात जो है दिनेश जी वो जरूर कही गई है कि वो वहां पर मजदूरों के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं है, वरना अगर इस तरह की स्थिति होती तो जो स्वास्थ्य है वहां पर फंसे हुए मजदूरों का वो बिगड़ सकता था। एक जो परेशानी का सबब जो है वो विशेषज्ञ जो दिनेश जी मान रहे हैं वो ये है कि जैसे जो टनल होती है अंदर आप जो पत्थर वहां पर मौजूद होते हैं, पत्थर जो अंदर होते हैं उनकी अलग एक गैस होती है दिनेश जी, वो जो गैस एमिट होती है वो इन मजदूरों की परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि वो गैस जो होती है वो किसी तरह की जैसे आपको लंग इन्फेक्शन है, आपको सांस लेने में दिक्कत, इस तरह की परेशानियां जो है वो आने वाले वक्त में सामने आ सकती है और इसी वजह से उनका हेल्थ चेकअप वहां से बाहर निकलने के बाद में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दिनेश जी, ये जानना ये तो कि उनकी ये स्थिति ये तो, जो ये है तो, ये तो और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं बरखा कि वहां पर एक खास तरह की गैस टनल के अंदर रिसने की बात कही जाती है
और वो गैस जो है वो लंग्स पर असर डाल सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन का यहाँ पर वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 41 वर्कर्स को बचाने के लिए इसके प्लान सीमेंट के ब्लॉक से एक ऑप्शनल रूट भी बनाया जा रहा है। ये ऑप्शनल रूट इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर फिर से केविंग हो, फिर से मलबा गिरे, तो ये एस्केप रूट, ये ऑप्शनल रूट बना रहे, ये भी एक कोशिश चल रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन का वही वीडियो, ये जो ऑप्शनल रूट बनाया जा रहा है उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसको समझ लीजिए कि एस्केप टनल इसको कहा जाता है, और ये जब बड़ी टनलिंग की जाती है तो एस्केप टनल साथ में बनाए जाने का काम होता है, और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर जो मुख्य मार्ग है उसमें किसी तरीके का व्यवधान अगर आता है तो उसमें वो एस्केप टनल जो है वहाँ से रास्ता बन सके। यहाँ पर आप वही देख रहे हैं किस तरीके से जो इस वक्त का अपडेट बहुत ज़रूरी है जानना आपको, वो मैं एक बार आप फिर से आपके लिए दोहरा देता हूँ। 39 मीटर से बढ़कर अब वो जगह है जहाँ तक ड्रिलिंग हो चुकी है, जहाँ तक बोर किया जा चुका है फिर से, वो 43 मीटर हो चुका है। ये एक बड़ी राहत की बात है, और अब क्रमशः हम बढ़ रहे हैं उस तरफ जहाँ पर मजदूर हैं। लेकिन ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ उस जगह के अंदर का ये स्टिल है, उसी वीडियो का स्टिल जो मैं भी आपको दिखा रहा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये काम चल रहा है, आपको हेलमेट पहने हुए यहाँ इंजीनियर्स देख रहे हैं इस काम का, जो लगातार मुआयना कर रहे हैं, और यहाँ पर उस ऑप्शनल रूट पर काम चल रहा है। ये केविंग कभी भी जब आप ये ड्रिल करते हुए अंदर की तरफ बढ़ते हैं तब कभी भी ये केविंग हो जाने का खतरा होता है। ऑप्शनल रूट इस दौरान आपको बचने का रास्ता देता है, और वो जो आपको एक रास्ता दिखाई दिया था जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया, वो जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 800 मीटर का पाइप और ड्रिलर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। टनल में ऑपरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, और मलबा कहां पर है वो आपको दिखाई दे रहा है, और ऑगर मशीन किस तरीके से ड्रिल करते हुए आगे बढ़ रही है, ऑगर मशीन की पोजीशन कहां पर है वो आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो ये मलबा है जिसको खोदते हुए आगे ऑगर मशीन को बढ़ना है, और कैसे 800 मीटर का पाइप, वो जैसा मैंने आपको बताया था 800 मीटर उसके 900 मीटर के अंदर, 800 मीटर, 800 मीटर के अंदर 700 मीटर, इस तरीके से कदरन कम डाया के पाइप को उस जगह तक भेजने की कोशिश की जाएगी जहां तक वो निर्विरोध बगैर किसी अवरोध के जा सकता है। और यहां पर आप देख रहे हैं टनल में ये ऑपरेशन, मलबा हटाती हुई जेसीबी मशीन यहां आपको दिखाई दे रही है, और इस तरीके से यहां पर इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। 43 मीटर अब तक वो गहराई जहां तक ये खुदाई हो चुकी है, और यहां पर आप देख रहे हैं वो एस्केप टनल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सबसे महत्वपूर्ण जो एस्केप टनल जिसका मैं जिक्र आपको कर रहा था वो है ये एस्केप टनल। जनरली पैरेलली इसको बनाया जाता है उस रास्ते में जहां पर ड्रिलिंग की जा रही होती है, लेकिन इसका साथ साथ बनाया जा सकना कई बार कोइंसाइड वैसे नहीं होता जैसा होना चाहिए। यहां पर क्या हुआ था एग्जैक्टली वो हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं वो एस्केप रूट जो साथ में बनाया जा रहा है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिस मलबे को हटाकर ऑगर मशीन रास्ता बना रही है, पाइपिंग की जा रही है, वो मैंने आपको बताया जहां से हो रहा है, और साथ में एस्केप टनल जो है वो भी मैंने आपको तस्वीरों में यहां पर दिखाया, और ये भी आपको बताया कि क्रमशः हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जिधर ये मजदूर हैं। पहले ये दूरी जो 42 मीटर की अब बताई जा रही है, कुछ देर पहले 39 मीटर होने की खबर थी। अब जरा देखिए ये जो एस्केप टनल है उसके बारे में ये जानकारी हम आपको बता दें कि पाइप से निकालने के अलावा एक और प्लान चल रहा है रेस्क्यू के लिए, एक एस्केप प्लान जो बनाया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ड्रिलिंग के दौरान जैसा मैंने आपको बताया और केविंग होने की और मलबा गिरने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जब आप ड्रिल कर रहे होते हैं कब कौन सी चट्टान आसपास की दरके और फिर से वो वहां पर मलबा गिरा दे, ये कुछ पता नहीं होता है। 41 वर्कर्स को बचाने के लिए ये जो ऑप्शनल रूट है वो यहां पर बनाया जा रहा है, और उसकी तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाया। सीमेंट के ब्लॉक से एक रास्ता बनाया जा रहा है जिसकी तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं, सीमेंटेड ब्लॉक से एक रास्ता, एस्केप टनल, और वो एस्केप टनल जहां से बनाया जा रहा है वो रास्ता भी मैंने आपको दिखाया। तो जो मेन जहां से ड्रिलिंग के जरिए वो पाइप डाला जा रहा है वो भी आपके सामने है, साथ में जो ऑप्शनल रूट एक एस्केप टनल बनाई जा रही है वो भी मैंने आपको बताया। ये भी दिखाया कि वहां पोजीशन कैसी कैसी है, मशीन कहां पर है, मलबा किस तरफ है, किस तरफ इंजीनियर्स खड़े होकर उसका मुआयना कर रहे हैं, और कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मलबा जो वहां से हटाया जा रहा है उसको हटाती हुई उस जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाकर डंप करती हुई जो जेसीबी मशीन है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहां की पूरी सिचुएशन को इन अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप एक मेगा पिक्चर बना सकें दिमाग में, इसलिए हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, राकेश इशारा कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। राकेश बताइए। हाँ दिनेश जी, मैं आपसे थोड़ी देर पहले इशारा कर रहा था, फिर आप ये तस्वीर दिखाने लगे। एक बार फिर से 8 से 10 एनडीआरएफ के जवान अंदर गए हैं, हो सकता है ये उनके ड्रिल का हिस्सा हो। अब कुछ और एनडीआरएफ के जवान आपको अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे,
और जो जिस स्ट्रेचर की हम बातचीत थोड़ी देर पहले कर रहे थे, स्ट्रेचर खास तौर पर डिजाइंड है, क्योंकि अगर उसी रिपोर्ट का एक और हिस्सा है जिसे मुझे लगता है दर्शकों को जरूर दिखाना चाहिए, वो दिखाइएगा भी। तो जब जवान बाहर निकले थे तब वो स्ट्रेचर साफ साफ दिखाई दिया, उस स्ट्रेचर में नीचे की साइड में स्केट्स लगे हुए हैं, तो जो पाइप अंदर डाल दिया जाएगा, एनडीआरएफ के जवान अंदर जाते हैं और वहां से अगर उस स्ट्रेचर के जरिए अगर उन्हें पुल करने की बातचीत आती है तो चूंकि उसमें स्केट्स लगे हुए हैं तो बहुत आसानी से उन्हें उन पाइपों के जरिए खींचा जा सकेगा। आपने जो नई तस्वीर दिखाई उसमें एक एस्केप टनल की बातचीत आपने की, जो एस्केप रूट बन रहा है, आप ये देखिए सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे हुए हैं, जरा इन पर फोकस करिए अरिंदर, ये चौकोर जो सीमेंट के ब्लॉक्स रखे हुए हैं मेरी उंगली के इस हिस्से में, और थोड़ा इधर भी दिखाइए अरिंदर, इधर थोड़ा सा पैन करिए, यहां पर भी दिखाइए बड़े बड़े ब्लॉक्स, तो यही बड़े बड़े ब्लॉक्स जो है आपको उन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे थे जिनके जरिए वो एस्केप रूट बनाया गया है, क्योंकि मलबा कभी भी आ सकता है तो एक वैकल्पिक रूट होना चाहिए, और ये दो नजरिए से फायदेमंद है, एक तो जिन श्रमिक भाइयों को निकालना है उनके लिए, दूसरी बात है खास तौर पर जो स्टाफ अभी काम कर रहा है, मान लीजिए इस साइड में कोई मलबा आता है तो उस स्टाफ को इवैक्यूएट करने के लिए भी वो एस्केप रूट जो है वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। एक और चीज मुझे लगता है कि वैल्यू एड जरूर करना चाहिए दिनेश जी, कि जिस तरीके से बरखा जिक्र कर रही थी, साबुन भेजा गया, टॉवेल भेजा गया, खाने भेजे गए, लोगों के अंदर ये सवाल उठ सकता है कि भाई चेंज का तो पाइप है, उस चेंज के पाइप से इतना सब कुछ कैसे भेज दिया जा रहा है, कंप्रेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और उस चेंज के पाइप में कंप्रेशन के जरिए जो है इन सारी चीजों को आगे पुश किया जा रहा है जिससे वो जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उन तक ये चीजें पहुंच रही हैं। टेम्परेचर का आप जिक्र कर रहे थे, नो डाउट अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, सुबह यहां पर जब मैं सोकर उठा आज सुबह 6 डिग्री टेम्परेचर था, तो बाहर का तापमान बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा ठंड है। एक और अच्छी बात है कि जो अंदर श्रमिकों के हक में है कि अंदर जो बिजली की आपूर्ति है वो पूरी तरीके से है, कल की पीसी में ये साफ तौर पर एनडीएमए की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जो पूरा मलबा गिरा उसमें बिजली के तारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो लिहाजा अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो अंदर इलेक्ट्रिसिटी है तो बड़े बड़े हैलोजन से उन लाइट्स का अपना टेम्परेचर होगा, तो अंदर का टेम्परेचर ठंड के लिहाज से उनके सामने कोई बहुत ज्यादा चुनौती नहीं है। उनमें से एक शख्स ऐसे हैं जो पहले भी इस तरीके की परिस्थिति में फंस चुके हैं, तो लिहाजा वो सबके लिए एक मोटिवेटर के तौर पर होंगे कि मैं तो ऐसी कंडीशन में फंसा था, इससे पहले भी मैं निकल चुका हूं, तो सब लोग इस बार भी निकल जाएंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, और पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है हर तरीके से, 10-10 एजेंसियां सरकार की लगी हुई हैं, तो ये सारी चीजें, और इसीलिए चूंकि आप देखिए एक और तस्वीर सामने आई थी कि जो ऑगर मशीन को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स थे उनके चेहरों पर बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दी थी जब ऑगर मशीन आगे बढ़ी थी, ऑगर मशीन सबसे तेजी से काम कर रही है और यही सबसे कारगर तरीका, और यही वजह है कि जिस तरीके से यहां पर डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, तो हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आज रात में खुशखबरी आएगी तो उसके पीछे की ये डेवलपमेंट्स है कि आज रात में बहुत ज्यादा संभावना है कि इन श्रमिक भाइयों को वहां से निकाला जा सके। चार धाम रोड प्रोजेक्ट का ये पूरा हिस्सा, सिलक्यारा टनल, और ये अगर टनल जितनी तेजी से बन जाएगा तो यमुनोत्री को लेकर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा दुरुस्त हो जाएगी, और उसी लिए ये टनल करीब 4.5 किलोमीटर की बनाई जा रही थी, आधे से ज्यादा बन भी चुकी थी, लेकिन बीच में ये पूरा हादसा, और इस हादसे के बाद पूरी तैयारी की कैसे उन 41 श्रमिक भाइयों को वहां से निकाला जा सके। आपने पहुंचाई है राकेश, आपके पास वापस लौट रहा हूं, और इस बीच देश भर में टनल में फंसे मजदूरों के लिए दुआएं हो रही हैं। दिल्ली के द्वारका में भी टनल पर काम चल रहा है और वहां भी मजदूर दुआ कर रहे हैं कि उनके साथी सकुशल टनल से बाहर आ जाएं, क्योंकि मजदूर जानते हैं कि कितना जोखिम लेकर वो टनल में काम करते हैं। दिल्ली के द्वारका में टनल का काम चल रहा है, वहां टनल में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी लगातार निगाह बनी हुई है कि यहां क्या चल रहा है और सिलक्यारा टनल में आगे क्या अपडेट है और कितनी देर में ये उनके भाई जो सकुशल बाहर निकाल लिए जाएंगे, और उनको इस बात से राहत है कि उनकी दुआएं काम कर रही हैं, प्रार्थनाएं रंग ला रही हैं और जल्द मजदूरों के बाहर आने की खबर भी सुनाई दे रही है। देखिए उत्तरकाशी में जिस तरह से हमारे 41 कर्मवीर एक टनल में फंसे, आप जरा समझिए कितना ज्यादा कठिन वक्त हो जाता है ऐसे तमाम मजदूरों के लिए, ऐसे तमाम कर्मचारियों के लिए जो आपके और हमारे रास्तों को सुगम बनाने के लिए दिन रात इस तरह से जोखिम भरा काम करते हैं। उत्तरकाशी में हादसा हुआ जब आप और हम दीपावली मना रहे थे, ऐसे ही हमारे 41 भाई किस तरह से वहां पर हादसे का शिकार हुए। मैं एक टनल में ही मौजूद हूं जो कि निर्माणाधीन टनल है, वो भी हमारे साथ में यहाँ पर कुछ कर्मचारी मौजूद हैं जो इसी तरह से लगातार दिन रात कार्य कर रहे हैं और बस सब यही दुआ मांग रहे हैं कि उत्तरकाशी में जो 41 लोग फंसे हुए हैं वो जल्द ही सकुशल वापस आए। जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उम्मीद भी यही की जा रही है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं?
हम राजस्थान से भरतपुर के रहने वाले हैं। कितना समय हो चुका है आपको यहाँ पर कार्य करते हुए? यहाँ को हमको 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए हैं। आपको जानकारी है उत्तरकाशी में कुछ ऐसी मजदूर? बहुत जानकारी है, इतना जानकारी तो नहीं है, पर यही है कि हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सही निकले और अपने परिवार से जाके मिले, जिससे परिवार वालों को खुशी मिले और हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा उससे। वो सावधान निकलेंगे, सही निकलेंगे तो, और यही प्रार्थना करते हैं हम तो भगवान से, ऊपर वाले से। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इस बात समझिए कि हो सकता है कि वो इन्हें जानते ना हो, ये उन्हें जानते ना हो, लेकिन एक मानवता के नाते सभी के मन में बस यही प्रार्थना है। आप लोगों ने सुनी भी होगी खबरें, लगातार आप देख रहे होंगे कि कैसे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लेकर खुश है, संतुष्ट है, उम्मीद जाग रही है? हाँ मैडम, उम्मीद जाग रही है पूरी। भगवान से दुआ है कि हमारे मजदूर भाई वापस आए और अपने घर वालों से मिले, अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिले, ताकि सबको खुशी हो, आप लोगों को भी खुशी होगी। आप लोग जब ऐसे कार्य करते हैं तो काफी जोखिम भरा ये कार्य है, आप लोगों को लगता है खतरा हमेशा कहीं ना कहीं रहता है, वो भी आप लोगों के मन में भाव रहता है? जी मैम, खतरा तो हमेशा रहता है, लगातार रहता है, दिक्कतें हमेशा बड़ी रहती है। काम करते समय हर एक चीज का ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, उसका ध्यान रखते हुए काम करते हैं हम लोग सारे लोग। काम देखिए ये एक जज्बा भी रहता है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के रहने वाले हैं। कितना वक्त हो गया यहाँ पर? 1 महीना हुआ। देखिए जो उत्तरकाशी में जो लोग फंसे हैं उनमें भी बिहार और झारखंड के जो कई लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कोई जानकारी आपको उस बारे में है? हम लोग का थोड़ा बहुत जानकारी है। जानकारी है? हाँ। अच्छा, हम यही बोलेंगे कि जो फंसा हुआ है आदमी है वो निकल जाए, वो अपना परिवार में जाकर के मिल जाए। हाँ वही आपसे दुआ करता हूँ कि मिल जाए। देखिए छठ का परिवार अभी निकला है और छठ कैसे परिवार के साथ में मनाई जाती है आप ये समझिए कि हाल ही में खासतौर से पूर्वांचल के इलाकों में पूरा परिवार, लेकिन उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके अपने उस समय टनल में फंसे हुए थे। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के सर। आप भी बिहार के रहने वाले हैं। छठ मनाई? छठ मनाई परिवार के साथ में। परिवार से बहुत दुआ मिलेगा, यहाँ फंसा हुआ आदमी जो निकल जाए उससे अच्छा कोई बात है ना, ये हम लोग के दुआ है, उनको दुआ लगे फंस जाए निकल जाए, ये अच्छी बात है। ठीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी मैं। आप लोग दुआएं करना चाहेंगे? जी बोलिए। देखिए शर्मा रहे हैं, लेकिन एक बात जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा। मैं चाहूंगी पीछे से भी जो भाई बंधु हैं, आगे आइए, आगे आइए, आगे आ जाइए, थोड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा वो जैकेट नहीं पहने भैया, आप आ जाओ, आप आ जाओ। मुश्किल काम होता है, आप लोग युवा हैं लेकिन मन में डर रहता होगा, कई तरह की चैलेंजेस आपके सामने रहते होंगे, कैसे आप लोग सुरक्षा का ध्यान रखते हैं? उनको लिए हेलमेट दिया जाता है कि ऊपर से कंक्रीट वगैरह कुछ वैसा सामान ना गिरे, इसलिए इसे लगाया जाता है। और वैसे भी हम अपनी लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना हो भी जाती है, नहीं तो फिर सुरक्षा अपनी स्वयं करते हैं। देखिए जिस जगह पे जिस टनल में ये लोग फंसे हैं, राहत की बात ये खाना आना सब पहुंचाया जाता है, एस्केप प्लान वगैरह सारी तैयारियां की जाती हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है सरकार की तरफ से और वहां पर जो रेस्क्यू टीम लगातार मौजूद है उनकी तरफ से उठाए जा रहे कदम, आपको लगता है सही है? मैडम जो वहां पर हो रहा है बहुत अच्छा है, अब सारी टीमें लगी हुई हैं, सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है उसमें, बस यही है कि जल्दी से जल्दी वो बाहर आए, अपने परिवार वालों से मिले और वहां के जो लोग हैं वो उन्हें संतुलन बढ़ाएं, उनकी हौसला बढ़ाएं उनका। मैं चाहूंगी एक बार जो आप बात कर रहे थे भाई, आप लोग देश के लिए काम करते हैं, अपनों के लिए काम करते हैं, एक बार भारत माता की जय का नारा लगवा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत के विकास के शिल्पी हैं ये सभी लोग और इनके लिए हमको नमन करना चाहिए, इनकी सलामती के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आपको बहुत धन्यवाद करेंगे राकेश आपका, बरखा आपका बहुत धन्यवाद, नैना ने हम तक ये जानकारी पहुंचाई उनका भी बहुत शुक्रिया। आपके पास हम लौटेंगे, तब तक और अपडेट्स आप इकट्ठे करें। फिलहाल